8,58,81,60,000 वर्षों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 8,58,81,60,000 वर्षों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के इसी एक दिन में श्री कृष्ण स्वयं गोलोक धाम से द्वापर युग में इस धरा पे आते हैं और अपनी लीला करके वापिस अपने गोलोक धाम चले जाते हैं। आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि ब्रह्मा जी इतने वर्षों में 8,58,81,60,000 वर्षों में अगर एक बार आते हैं तो बाकी चतुर्युग में कौन से श्री कृष्ण आते हैं, इसी बात में मैं आपको आज बात बताने वाला हूँ। ये वीडियो में पहले बता चुका हूँ, फिर भी आज गुरु गोविंद की कृपा संतों के आशीर्वाद से मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मेरे से क्वेश्चन किया गया है। तो सबसे पहले चलते हैं चतुर्युग पे। चतुर्युग मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग होता कितना? 17,28,000 वर्षों का। उसके बाद त्रेता 12,96,000 वर्षों का। उसके बाद द्वापर 8,64,000 वर्षों का। और उसके बाद कलयुग 4,32,000 वर्षों का। इन चारों युगों को चतुर्युग कहते हैं, जिसे महायुग भी कहते हैं। कई बुद्धिहीन ये प्रचार कर रहे हैं इसे चतुर्युग को कल्प या मनवंतर कहते हैं। जी नहीं, मैं आगे बताने वाला हूँ कल्प क्या है और मनवंतर क्या है। तो इन चारों युगों का जो आप जोड़ोगे 17,28,000 वर्षों को, 12,96 को, 8,64 को, 4,32,000 को जोड़ोगे तो 43,20,000 का एक चतुर्युग, इसे महायुग कहते हैं। एक चतुर्युग इसे महायुग कहते हैं। और ऐसे 71 चतुर्युग बीत जाते हैं। जब ध्यान दीजिएगा, बहुत तरीके से बता रहा हूँ, आप 43,20,000 को मल्टीप्लाई 71 से कीजिए, गुणा 71 से कीजिए, तो ऐसे जब 71 महायुग चतुर्युग बीत जाते हैं तो 30,67,20,000 वर्षों का, ध्यान दीजिएगा, 30,67,20,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। और ऐसे 14 मनवंतर बीतते हैं तो इसको 30,67,20,000 को फिर मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए 14 से, तो आपके पास डिटेल आएगी 4,29,00,000, ध्यान दीजिएगा 4,29,40,80,000 वर्षों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन जैसे हमारा दिन होता है, ऐसे ही 14 मनवंतर बीतने पर जो दोबारा अगला कल्प आता है 4,29,40,80,000 वर्षों का जो दूसरा कल्प आता है वो ब्रह्मा जी की रात होती है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी का दिन रात जो होता है 8,58,00,000, ध्यान दीजिएगा 8,58,81,60,000 वर्षों का होता है। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। तो सोच लो ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, आप कैलकुलेटर पे ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात होती है अगर ब्रह्मा जी के एक दिन में श्री कृष्ण आते हैं, जी हाँ, ब्रह्मा जी के इसी एक दिन में श्री कृष्ण आते हैं, जो अभी द्वापर 5,500 वर्षों का बीता है ना, उसमें स्वयं श्री कृष्ण इस धरा पर आए थे, लीला करके वापस गोलोक धाम चले गए। अब इसके बाद ये 7वां मनवंतर चल रहा है, ये जब 14 मनवंतर पूरे जाएंगे तो ब्रह्मा जी का दिन पूरा होगा, फिर ऐसे 14 मनवंतर बीतेंगे जो कि मैंने बताया है, 14 मनवंतर बीतेंगे मतलब 4,29,40,80,000 वर्ष जब बीतेंगे, जब ब्रह्मा जी की रात पूरी आएगी, फिर अगला जो तीसरा कल्प आएगा, दो कल्प मिलके ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। जैसा कि मैंने बात बताया 8,58,81,60,000 वर्षों ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है, ठीक है। तो ऐसे जब तीसरा कल्प आएगा तब श्री कृष्ण स्वयं द्वापर युग में पधारेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर श्री कृष्ण अब आए हैं, अब अगले चतुर्युग में नहीं आएंगे, या इस चतुर्युग से पहले चतुर्युग में नहीं थे तो उस समय कौन था? तब भी श्री कृष्ण थे, तब श्री कृष्ण का अंश अवतार था, जिसे कहते हैं अंश अवतार, जो वो लीला करने आते हैं, चतुर्भुज अवतार होता है, जो विष्णु द्वारा वो अवतार लेते हैं। अभी तो श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए थे, अब अगले में वो अवतार लेंगे विष्णु जी द्वारा, तब वो लीला करेंगे, राक्षसों को नाश करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन ये श्री कृष्ण जो रूप में आते हैं, ये प्रेम प्रसार करते हैं, प्रेम लीला करते हैं, सबको अपने प्रेम में डुबा देते हैं। तभी तो आपने देखा होगा वृंदावन के श्री कृष्ण के हाथ में कोई शंख चक्र गदा नहीं होते, वो कोई अपना चक्र लेके या गदा लेके नहीं बैठे होते, वो सिर्फ प्रेम प्रसार करते हैं, अपना प्रेम में सबको डुबाते हैं, प्रेम में खुद भी अपने भक्तों के प्रेम में रम जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं खुद भक्तों के अधीन हूँ, भक्त मुझे, वो त्रिलोकीनाथ, वो मालिक जो श्री कृष्ण है, जिसका ना आदि ना अंत है, वो खुद कहता मैं सिर्फ भक्तों के अधीन रहता हूँ। तो मित्रों ये आयु होती है एक कल्प की, और इसी हिसाब से आयु बनती है ब्रह्मा जी के
सौ वर्षों की, जी हाँ, उसके बाद ब्रह्मा जी को वापस इस धरा पे आना पड़ता है। इंद्र की भी आयु है, उसको भी आना पड़ता है। हम में से ही बनते हैं, ब्रह्मा जी भी हम में से बना है, इंद्र भी हम में से बनते हैं, गंधर्व राक्षस हम में से बनते हैं। और एक बात, ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मन्वंतर होते हैं, और उस 14 मन्वंतर में 14 इंद्र, 14 देवी देवता, 14 जल देवता, वरुण देवता, जितने भी गंधर्व देवता 14 बार बदल जाते हैं। इंद्र की आयु सिर्फ एक, ध्यान दीजिएगा, एक मन्वंतर को होती, एक मन्वंतर तक होती है। और एक मन्वंतर मैंने आपको बताया कितने वर्षों का है, 30,67,20,000 वर्षों का। 71 चतुर्युग का एक मन्वंतर होता है, जो 30,67,20,000 वर्षों का होता है, और 14 मन्वंतर का एक कल्प बनता है। तो ब्रह्मा जी के एक कल्प एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, पता नहीं ना जाने सारे देवी देवता बदल जाते हैं, इस वापिस धरा पे आ जाते हैं, फिर अपने कर्म अनुसार उनको जीवन मिलता है। तो मित्रों, ये जानकारी कैसी लगी बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये गुरु गोविंद की कृपा से, संतों की वाणी से जो सुना मैंने, दास ने, आप सबके समक्ष रखा। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। और गर्व करना, हम इतनी प्राचीन संस्कृति इस धरा पे, और एक बात बता दूं, इस धरा पे जब से सूर्य की किरण है, इस धरा पे, धरती की बात कर रहा हूँ, तब से इस धरा पे सनातन धर्म है, अर्थात ब्रह्मांड में सनातन धर्म था, है, रहेगा। सनातन मतलब जो सदैव था, है, रहेगा, जिसका ना आदि ना अंत है। हम जब नहीं थे तब भी धर्म था, श्री कृष्ण थे, हम जब हैं तब भी श्री कृष्ण धर्म है, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी श्री कृष्ण। अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा था कि जब तुम नहीं थे, संसार नहीं थे, तब भी मैं था, अब संसार है तब भी मैं हूँ, और जब संसार नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। ये भगवद गीता में श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है। तो मुझे गर्व है कि मैं इस धरा पर श्री हरि का अंश हूँ, उन्हीं का वंश हूँ, सनातन धर्म की संतान हूँ। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।